हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लैक हैड्स फिल्म की जानकारी दे रहे हैं जो ये 2015 की है। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक हैकर्स की जो पैसों के लिए दुनिया की लूट रहे हैं, जबकि कुछ हैकर्स ऐसे भी हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फिल्म का दृश्य खुलता है और हम हांगकांग में एक बिजली संयंत्र देखते हैं जहां बिजली बनाई जाती है। लेकिन तभी अचानक कुछ लोगों ने यहां के सिस्टम हैक कर लिया है और सिस्टम को ठंडा रखने वाली यहां की कूलिंग मशीन भी बंद हो गई है, जिससे पूरा पावर प्लांट गर्म हो जाता है और बढ़ती गर्मी के कारण वहाँ जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम सेना के कप्तान को देखते हैं जिनसे सरकार के अधिकारी इस बारे में सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि ये कैप्टन आईडी कंप्यूटर में सबसे अच्छा छात्र था। इसलिए हर कोई सोचता है कि केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकता है, जिसके बाद कप्तान सभी को समझाने लगता है कि कैसे उन्होंने यहाँ के सिस्टम को हैक कर लिया है। उन हैकर्स ने दरअसल एक सॉफ्टवेयर रेड का इस्तेमाल किया है जो इतना तेज सॉफ्टवेयर है जिससे हम किसी के भी सिस्टम कंप्यूटर एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ की व्यवस्था इतनी आधुनिक नहीं थी, पुरानी थी। जब अधिकारी उनसे पूछते हैं कि अगर हैकर्स ने रेड के जरिए सिस्टम को हैक किया है तो हम क्या उन्हें रेड के जरिए नहीं पकड़ सकते, इस पर कप्तान कहते हैं कि हम उन्हें जरूर पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्लांट से कोड और हार्ड ड्राइव चाहिए जो वास्तव में एक स्टोरेज है जिसमें सारा डाटा स्टोर किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पावर प्लांट के नष्ट होने से वह स्थान गर्म हो गया है और जब हम उसे उस जगह को ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए और अब हमें उस जगह को ठंडे होने का इंतजार करना चाहिए और फिर वह सारी डिटेल्स FBI को भेज देता है ताकि वो भी इसका पता लगा सके। FBI उसे कुछ कोड भेजती है जिससे पढ़ते ही वह चिंतित हो जाता है और वह सीधे अपने बहन के पास आता है और उसे सारी बात बताता है और ये भी कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि तभी मैं इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकूंगा, लेकिन वह मना करती है कि मैं व्यस्त हूँ। फिर वह उसे फिर से समझाता है कि FBI ने मुझे कुछ कोड भेजे थे और उन्हें पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि वो हैकर्स बहुत खतरनाक होते हैं और इनका नाम है ब्लैक हैड, जिसका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता, और इस काम के लिए मुझे एक भरोसेमंद दिमाग और एक कंप्यूटर विशेषज्ञ की जरूरत है। मेरे लिए तुम कौन हो, तुम मेरा साथ दो, जिस पर वह इस बार मान गई है। तब उन्हें पता चलता है कि उन हैकर्स ने शहर के बाजार में भी बवाल मचा रखा है, उन्होंने चीजों की कीमतों को उल्टा कर दिया है। फिर वे FBI के पास जाते हैं जहाँ वे FBI एजेंट से मिलते हैं जो पूरी समस्या को देख रहा था। कप्तान उससे कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा लेकिन इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है जिसका नाम निकोलस है, जो कभी कर हुआ करता था। जिसका नाम सुनकर FBI एजेंट को गुस्सा आ जाता है कि अब तुम निकोलस को नहीं ढूंढ सकते, वह जेल में भी है, उसको पता नहीं है कि उसने कितने बैंक लूटे, इतने पैसे कमाए, वह सब कुछ इतनी सफाई से करता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह आपकी मदद के लिए आ सकता है। फिर कप्तान कहते हैं कि जब मैं MIT में था तब मैंने और उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी जिसमें और काम उनका था और इन हैकर्स ने उन चीजों का इस्तेमाल भी किया, इसलिए अगर हम उन स्मार्ट हैकर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें उनसे ज्यादा स्मार्ट इंसान की जरूरत है जो कोई और नहीं बल्कि निकोलस है। अब FBI एजेंट इसे समझाता है तो किसी तरह उसने निकोलस को बाहर निकाला। फिर वे हैकर्स के बारे में पता लगाने के लिए सिस्टम में आते हैं और जहां उन्हें पता चलता है कि जिस सिस्टम को हैक किया गया है उसमें ढेर सारे कोड डाले गए, इसे समझाने के लिए इसमें ये लाल रंग के सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो निकोलस खुद सिस्टम पर बैठ जाता है और चेक करने लगता है। उसे वहां एक फाइल मिली, जैसे ही वह उसे खोलता है उसे पता चलता है कि ये लाल रंग का सॉफ्टवेयर है। फिर वह वहाँ मौजूद कार्यकर्ता से पूछता है कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, मेरा मतलब है गलती से आपने अपना डिवाइस ऐसे ही छोड़ दिया लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर वह पूछता है कि क्या यहाँ कोई मजदूर है जिसकी नौकरी चली गई है। फिर वह बताता है कि हाँ, एक आदमी है जिसने यहाँ सिर्फ एक महीने काम किया है और वह यहाँ के मैनेजर थे, और जब उसे पता चलता है कि मैनेजर के पास यहाँ का एक्सेस है, यहाँ का कंट्रोल है, तो वह यहाँ की सभी फाइलों को चेक करने लगता है। वह इस मैनेजर के घर का पता भी पता कर लेता है तो वह तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसका घर तबाह हो गया है क्योंकि उसने बहुत अधिक ड्रग्स लिया। जब निकोलस इस मैनेजर का कंप्यूटर चेक करता है उसे पता चलता है कि वह एक आदमी से बात करता था जो कोई और नहीं बल्कि हर जगह तबाही मचाने वाला हैकर है और उसने बिजली संयंत्र को भी नष्ट कर दिया। वह इस मैनेजर से मिलने जा रहे थे लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। अब निकोलस खुद उस हैकर से बात करने लगे, वह मैनेजर बन जाता है और
और कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उनके बीच निर्णय लिया जाता है कि वो शार्लेट के एक होटल में मिले। अब उसे किसी तरह उन हैकर्स तक पहुंचना था, इसलिए वह उनकी लोकेशन ट्रेस करने शुरू कर देता है कि वो कहाँ है। पता चला कि वह एक जगह नहीं रहता बल्कि उसकी लोकेशन बदलती रहती है। इसी बीच एक अधिकारी भी यहां आ गया था जिसने सुरक्षा के बारे में पता किया था। वह उस टाइमर को हटा देता है जो एक घंटे से लेकर एक दिन तक निकोलस का पता लगा, ताकि अगर वह उनसे दूर रहे तो वो उसे ढूंढ सके। उसके पैर में ट्रिगर भी लगा था। चीजें उसके सामने नहीं आ रही थी तो वह अभी भी चिंतित, इसलिए वह हुक से चिपक जाता है। आखिर क्यों उन हैकर्स ने चीजों के दाम लड़ दिए, इससे कौन लाभान्वित हो सकता है। वह उस दिन के सभी लोगों का विवरण प्राप्त करता है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। उसे पता चलता है कि कुल मिलाकर 3 लोग हैं जिन्होंने उस दिन सबसे ज्यादा पैसा कमाया और निकाल भी लिया, वह भी उसी खाते से। तो अब ये लोग भी इन तीनों के पीछे। अब निकोलस और कप्तान की बहन चीनी होटल पहुंचे थे जहां उन्हें हैक करने के लिए आने को कहा गया, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब कोई नहीं आता तो निकोलस अंदर जाकर चेक करते हैं। उन्होंने वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। ये पता चला कि इस प्रणाली की पहुंच किसी और द्वारा नियंत्रित की जाती है जो उन्हें काफी समय से देख रहा है। वे यहां क्या करने आए हैं? तब निकोलस को पता चला कि ये कौन है और फिर उसे उस आदमी के कंप्यूटर का कोड पता चल जाता है। वह उससे बात करता है। वह आदमी निकोलस से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर निकोलस उसे अपना नाम कुछ और बताता है जिस पर युवक भड़क गया। कहते हैं कि वे जेलें तुम्हारी मौत बनाने वाली है। ये देखकर निकोलस तुरंत सिस्टम बंद कर देता है और कप्तान की बहन यानी वह अपने दोस्त को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग उन्हें मारने आए थे जिसके बारे में निकोलस को भी पता चल गया। तभी वह उन्हें एक थप्पड़ देकर यहाँ से चला जाता। भागने के बाद वह पहले कप्तान को बुलाता है, बताता है कि किसी ने जानबूझकर उस मैनेजर की हत्या की। उनकी मौत ड्रग्स लेने से नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसे मारने के बाद उसके सिस्टम में एक कोड डाल दिया ताकि हम उससे बात कर सके, और हमें रास्ते से हटाने के लिए वह यहाँ पहुँचता है। ये सुनकर कप्तान कहते हैं कि अब उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा तो सावधान रहो, और अब हमें जल्द से जल्द उन तक पहुँचना है क्योंकि हमें लोकेशन का पता चल गया है। लेकिन ये भी संभव है कि वह किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हो, मैं कौन सी जगह नहीं बता रहा हूँ। फिर एक बात और, जहाँ तक 3 लोगों को पता है उन्होंने करीब $73 मिलियन निकाले हैं। तभी उसका दोस्त निकोलस के पास आता है। हमें पता चलता है कि अब वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वह निकोलस से कहता है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि उस हैकर ने सबसे पहले सिस्टम को ही हैक कर लिया बिजली संयंत्र, और अब वे हांगकांग के लिए रवाना हो गए हैं। हम वहां दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं। कौन बताता है कि हम समुद्र के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ताकि वह जगह फिर से ठंडी हो जाए, और मुझे नहीं लगता है कि आपको वहां से कुछ मिलेगा, सब कुछ नष्ट हो गया है। ये सुनकर निकोलस के दोस्त कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, अगर सिस्टम को कुछ हुआ है सारा डाटा मेमोरी में चला जाता है यानी स्टोरेज में, और अगर हमें वह स्टोरेज मिल जाता है तब कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि सिस्टम को किसने हैक किया है। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि कमरा अभी भी बहुत गर्म, ठंडा लगने में समय लगेगा, तभी हम वहाँ जा सकेंगे। अब उन्हें पता चला कि अधिकारी और FBI एजेंट उन्हें बुला रहे क्योंकि उन्हें एक हैकर मिल गया जिसको कुछ जानकारी है। हैकर उन्हें पैसों के बारे में जानकारी देता है कि उसने अब तक किसी को नहीं लिया है, उसका अभी हिसाब नहीं हो पाया है। फिर निकोलस ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो तीनों आपस में कैसे बात करते हैं। हैकर का कहना है कि वह बात नहीं करता है, ऐसे ही मिलो। FBI एजेंट निकोलस से पूछता है कि तुम भी एक हैकर हो और आप ये काम पहले भी कर चुके हो, तो अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। निकोलस बताता है कि जैसे ही मैं कर सकता था पैसे लेकर गायब हो जाता, क्योंकि पैसे से कुछ भी हो सकता है और पैसों के बल पर मैं पकड़ा जाता। इधर अब निकोलस को सब कुछ समझ में आने लगा है। उनका कहना है कि ये तीनों नहीं है, वास्तव में इनका एक सिर भी होता है। उन्हें कौन बता रहा है कि क्या करना है, इसलिए पैसा खाते में ही पड़ा हुआ है। अब ये लोग उनके सारे डेटा की ट्रेनिंग शुरू कर देते, कहां जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये तीनों अलग अलग जगहों पर जाते हैं। फिर तीनों लोग एक जगह मिलते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ये लोग कौन है और वो कौन सी जगह है जहां ये लोग एक दूसरे से मिलते। तब इन लोगों को उस जगह की जानकारी मिलती है। उन्हें एक नाम मिलता है जो इलियास नाम के शख्स का था जो हमेशा यहां आया करते थे। तब इन लोगों को इलियास के बारे में सारी जानकारी मिल जाती और
अगले दिन निकोलस उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह यहाँ सिग्नल हैक कर मैसेज भेजने लगता है, लेकिन तभी पता चलता है कि हैकर बहुत शातिर है, क्योंकि उसने पहले ही यहाँ के सारे सिग्नल हैक करके बंद कर दिए हैं। तो अब ये लोग उसे ब्लूटूथ सिग्नल के जरिए मैसेज भेजते हैं, और अब उसके मैसेज का जवाब आता है तब निकोलस तुरंत अपने सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके बाद वह आकर FBI एजेंट को ये सारी जानकारी देता है कि हैकर का संदेश यहाँ है। जैसन निकोलस से पूछता है, क्या आप उस संदेश को समझ सकते हैं, जिस पर वह हाँ का जवाब देते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय नहीं दिया क्योंकि ये मैसेज बहुत कठिन होते हैं। फिर उन्हें जानकारी मिलती है कि वह सारा पैसा एक कैसीनो में भेज दिया गया है जहाँ जुआ खेला जाए, जिससे इलियास समझ गए कि उन लोगों को पता चल गया है कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। लिहाजा अब ये लोग इलियास पर नजर रखने लगे हैं, लेकिन जल्द ही उसे इस बात की भी खबर मिल जाती है कि वह यहाँ से भाग जाता है और ये लोग उसका पीछा करते हैं। उसके और इलियास के लोगों के बीच खूब गोलियां चलती हैं। यहाँ इलियास ने अपना दिमाग लगाया और वह वहाँ कुछ पैसे छोड़ देता और भाग जाता है किसी सुनसान शहर में, जिससे इन लोगों को वापस आना पड़ रहा है। तब कप्तान का संदेश निकोलस के पास जाता है और उसे कौन कह रहा था कि पावर प्लांट की गर्मी कम हो गई है, इसलिए अब हम वहाँ जा सकते हैं। तो अब ये लोग वहाँ जाकर व्यवस्था तक पहुँचते हैं। सिस्टम ने स्टोरेज को हटा दिया था, जिसका पूरा डाटा निकोलस ने हटा दिया, लेकिन पता चला है कि सारा डेटा हटा दिया गया है, यानी अब ये डेटा उनके किसी काम के नहीं रहने वाला। तो इस वजह से उन्हें सोचना। वह एजेंट से कहता है कि जब आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था, तब मैंने अपना सारा डेटा भी बर्बाद कर दिया, इस विश्वास के साथ कि आप लोग इसे कभी वापस नहीं पा सकेंगे, आप डेटा को दोबारा सही करके इसे वापस नहीं पा सकेंगे। लेकिन आपने ये किया कैसे? जिस पर ये बताता है कि फ्रांस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कंप्यूटर की मदद से काफी तेज चलता है, इसका एक्सेस कंट्रोल कुछ समय के लिए बेचा जाता है, जिस दौरान हमने आपका डेटा रिकवर किया। गोलस पूछते हैं कि अब मैं उस सॉफ्टवेयर तक कैसे पहुंच सकता हूं? एजेंट जवाब देता है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वह तुरंत फ्रांसीसी अधिकारी को बुलाती है, लेकिन वह मना कर देता है। तो वह निकोलस से कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। निकोलस का कहना है कि मैं उनके सिस्टम को हैक कर सकता हूं। तो वह उसे देखने के लिए कहती है, इसके बारे में सोचो, अगर इस बारे में फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारी को पता चलता है तब वह तुम्हें नहीं बख्शेगा, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। वह सिस्टम पर बैठता है और अपने काम पर जाता है, लेकिन वह बाकी लोगों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि मेरे पीछे भले ही फ्रांसीसी अधिकारी आ जाए, उसे पता ना चले कि तुम भी मेरे साथ। फिर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त नहीं जाता। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। निकोलस अब चतुराई से फ्रांसीसी अधिकारी को संदेश देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा पर्यवेक्षक हूँ, आपने FBI को संदेश भेजा था, मैं पता करना चाहता हूँ। तो अब आप ऐसा करें, पासवर्ड बदलें, क्योंकि हमारा डाटा भी हैक किया जा सकता है। तो अधिकारी ऐसा करता है। वीडियो बनाते समय वह पासवर्ड बदल रहा था, तब तक उन्हें निकोलस पर कुछ नजर आ गया। वह अब जानता था कि वह नया पासवर्ड बदल रहा था, जिसकी मदद से वह आखिरकार अपने सॉफ्टवेयर तक पहुंच गया था, जिसकी मदद से वह पावर प्लांट का सारा डाटा रिकवर कर पाया। साथ ही ये भी पता चला कि इन हैकर्स ने इस तरह के सिस्टम को चलाकर इसका इस्तेमाल किया है, जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। साथ ही पैसे निकालने के लिए सबसे महंगी प्रक्रिया का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए उन्होंने काफी पैसे चुकाए। वह कैसीनो में पैसे बचाने में सक्षम था और उसने बहुत हैकिंग की। जल्द ही फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में पता चलता है और वह EF को हर जगह फैलाता है कि निकोलस ने हमारी तकनीकी यानी सॉफ्टवेयर चीन को बेच दिया है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जब कप्तान को इस बात का पता चलता है, फिर वह तुरंत अपनी बहन को मैसेज करता है निकोलस से जल्द वहाँ से भाग जाने को। जब एजेंट और अधिकारी वहाँ पहुँचे, तभी पता चला कि निकोलस यहाँ से भाग गया है। फिर वह ये पता लगाने के लिए अपने स्थान को ट्रैक करता है कि वह कहाँ है, लेकिन उनका सिस्टम उन्हें पुरानी लोकेशन बता रहा था, क्योंकि निकोलस ने अपना ट्रैकर बदल दिया था, यानी जो एक ग्रिड से हटकर एक दिन का हो गया है। फिर हम निकोलस और उसके दोस्तों को देखते हैं और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि अब हमारा सर्वर किसी और की तरह खाली नहीं है। अब हम कप्तान को देखते हैं जो कार में उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन इससे पहले ही वह कार छोड़ देता है। एनियोस उस पर एक बहुत बड़ी बंदूक से हमला करता है। उसी कार में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और बेचारा कप्तान मारा जाता है। वो अब निकोलस और उसके दोस्त को भी गोली मार देते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन उसी समय FBI एजेंट अधिकारी और उनकी टीम यहाँ पहुँच गई, जहाँ अब दोनों तरफ से अंदरूनी गोलियां चल रही। लेकिन क्योंकि उस हैकर यानी
इलियास के लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए वह एजेंट और अधिकारी दोनों को गोली मारकर हत्या कर देता है। तब तक निकोलस और उसके दोस्त भी यहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद वो मलेशिया पहुँचते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने देखा कि हैकर्स मलेशिया पावर प्लांट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक पावर प्लांट और 5 माइनिंग कंपनियों के बारे में पता चलता है, यानी कि वह खान जो कान में खोदती थी। यहाँ अब निकोलस को सब कुछ समझ में आ गया कि उन्होंने जानबूझकर हांगकांग के पावर प्लांट को हैक किया, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि हम हैक कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ भी वह ऐसा ही करने जा रही है, वह यहाँ के सिस्टम पावर प्लांट को हैक कर सभी खनन कंपनियों में पानी भरेगी। इसके बाद यहाँ के हालात और बिगड़ेंगे, सभी चीजों के दाम भी गिरने लगेंगे। और जब सब कुछ सस्ता हो जाएगा तब वे यहाँ अपने $73 मिलियन का इस्तेमाल करेंगे, और वो अपना पैसा इतना बढ़ा लेंगे जितना किसी ने सोचा भी ना होगा। लेकिन हमें अब उनके सभी मंसूबों पर पानी फेरना होगा। उन्हें ये भी पता चलता है कि वे सभी हैकर्स इंडोनेशिया में हैं, इसलिए अब वे भी वहाँ पहुँच गए थे और ये पता लगाना शुरू कर देते हैं कि उनका सिस्टम में कैसे आना है, जिसके लिए योजना के अनुसार हादसा बनाया जाता है। और जैसे ही सबका ध्यान उस तरफ गया, मौका देकर निकोलस कंट्रोल रूम में दाखिल हो गया और अब उनके पास उनके सिस्टम तक पहुँच। अब जब वह सिस्टम को चेक करता है तो सारी जानकारी उसके सामने आ जाती है। पता चलता है कि उन्होंने अपने $73 मिलियन यहाँ एक छोटे से बैग में डाल दिए हैं, इसलिए वह अपने दोस्त को भी वह बैग बेच देता है। वह जहाँ भी जाता है कहता है कि थोड़ी देर में उसकी मीटिंग है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव जिसमें बहुत सारा डेटा है नहीं खुल रहा है, आप इसे अपने सिस्टम में डाल सकते हैं और डेटा निकाल कर मुझे दे सकते हैं। प्लान के मुताबिक वह पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाता है और ऐसा होता है उस बैंक का सारा एक्सेस निकोलस के पास चला जाता है। और जो पैसा उस हैकर इलियास ने यहाँ छुपाया था, वह $73 मिलियन है, वह उसे चुरा लेता है। इसके बाद वह इलियास के लिए एक संदेश और अपना नंबर छोड़ते हैं। जैसे ही वह ये देखता है कि इलियास उसे बुलाता है, पूछता है, बताओ तुम क्या चाहते हो, आपने पैसे अपने पास क्यों ट्रांसफर किए। जिस पर निकोलस कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा भी एक बॉस है, तो मेरी उससे बात करवाओ। फिर जब वो अपनी बॉस से बात करवाता है, तब वो भी निकोलस से वही सवाल पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वह कहते हैं कि जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो मुझे उसका एक हिस्सा चाहिए, और यदि तुम एक भाग देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा धन लौटा दूंगा। जिस पर बॉस कहते हैं कि ठीक है, लेकिन पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर निकोलस सहमत है, वह जीने की तैयारी करता है। सबसे पहले वह अपने पूरे तंत्र पर मोटे कागज लपेटता है, क्योंकि वह जानता था कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कुछ हथियार भी। इसके बाद वह उस जगह पहुँचता है जहाँ हैकर के बॉस ने उसे बुलाया। यहाँ आते ही वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब जैसे ही बॉस उसके सामने आता है, वह तुरंत हमला करके उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद उसने अपने दोस्त कैपुत का भी बदला लिया। उसे मारते ही वह वहाँ से चला गया, लेकिन उन्हें काफी चोटें आई थी। तभी उसका दोस्त उसे सहारा देकर दूर ले जाता है। वैसे भी अगले दिन दोनों इस देश से दूर चले जाते हैं और वो बहुत खुश है, क्योंकि अब उनके पास $73 मिलियन है और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती है, इसलिए अब वह काफी पैसा खर्च करेंगे। लेकिन फिर भी कोई और दिक्कत ना हो तो वह पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, फिल्म ब्लैक हेड्स की कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद।